हेलो दोस्तों, इट्स मी हिमांशु कचोत। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जनता कर्फ्यू का रूल क्यों लेकर आए हैं, ये कोई दवाई थोड़ी है, इससे कोई वायरस थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका सटीक रीजन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, बट उससे पहले जान लेते हैं कि जनता कर्फ्यू है क्या। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे लोगों को इसके बारे में मालूम होगा क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप जुड़े रहते हैं, बट जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं कि 22 मार्च 2020 को ये जो संडे आने वाला है, उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, एकदम पैक होकर रह जाना है। और कोई भी ज़रूरी काम हो, अगर 1% भी चांस है उसका पोस्टपोन होने का, तो प्लीज़ उसे पोस्टपोन कर दीजिए, बट घर से बाहर मत निकलिए। और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो एक दिन पहले खरीद कर रख लीजिए, उसका बैकअप रख लीजिए, ताकि संडे को आपको बाहर ना निकलना पड़े। तो ये था जनता कर्फ्यू। अब आते हैं मुद्दे पर, जो लोग ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका जो रीज़न है, ये किसी आम आदमी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, ये जो हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पूरी रिसर्च के बाद ये रीज़न बताया है और ये रूल लेकर आए हैं कि 24 घंटे का जो ये कर्फ्यू है, तो ये वायरस जो है, कोरोना वायरस का जो चक्र है, तो 24 घंटे का ब्रेक एक बहुत बड़ा ब्रेक साबित हो सकता है इस चक्र के लिए। वो कैसे, उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न, ये जो वायरस है, इसको 24 घंटे तक अगर कोई इंसानी शरीर नहीं मिलता है प्रवेश करने के लिए, जो ये वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा रहा है, बट अगर उसको 24 घंटे तक कोई इंसान नहीं मिलेगा प्रवेश करने के लिए, तो ये जो वायरस है, जो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में वायरस है, वो ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। सेकेंड रीज़न, सड़क पर, ऑफिस के गेट पर, बटन्स पर, रेलिंग्स पर, लिफ्ट पर, ऐसी जितनी भी चीज़ें जहाँ पर हमारा हाथ टच होता है, मेरी फिंगर टच होती है, अगर 24 घंटे का ब्रेक उसको मिलेगा, कोई हाथ टच नहीं करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली सैनिटाइज हो जाएंगे। इट मीन्स उसके जो जम्स हैं, उनके कीटाणु हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये दो सबसे बड़े सटीक रीज़न हैं, जिनमें भी कॉमन सेंस है उनको ये समझ में आ रहे होंगे, और जिनको अभी भी डाउट है, फ़ोन आपके हाथ में है, यूट्यूब आपके पास है, अभी की अभी सर्च कीजिए, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, हमारे देश के जितने भी संगठन हैं, दल हैं, उनको बोलना चाहूँगा, किसी भी आंदोलन के तहत आप 2-3 दिन के लिए भारत बंद करवा देते हैं, इतनी ताकत आपके पास है, तो ये बहुत बड़ी घटना सारे देशों में घट रही है। तो ये जो जनता का कर्फ्यू है, इसे जागरूक करने के लिए आप आगे बढ़ें, लोगों में इसकी जागरूकता फैलाएं, अपने जो आपके पास इतनी ताकत है भारत बंद कराने की, उसका एक अच्छा इस्तेमाल करें और इस कर्फ्यू को सक्सेसफुल कीजिए। एक भारत का नागरिक होने के नाते ये जो एक लहर चली है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए वायरस को, उसमें सब अपना साथ दें, मेरी आपसे यही विनती है। और एंड में बोलना चाहूँगा, बी सेफ एंड बी अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। थैंक यू सो मच।